हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द अदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व। एंड फाइनली गाइस, ये हमारी आर्क सर्वाइवल इवॉल्व की सोलो सर्वाइवल सीरीज का होने वाला है एपिसोड नंबर 85। तो गाइस यार, जैसे कि आप सभी ने हमारा पिछला एपिसोड देखा होगा, जहां पे हमने सार्को का छोटा भाई टीम किया था, एंड जब हम इसको टीम कर रहे थे, एंड वहां पे हमें एक डायनो दिखा जो कि मुझे नहीं पता वो क्या यूज आएगा, पर उसका इम्प्लांट मेरे पास ऑलरेडी है जो कि मैं डंजन से लेके आया था। तो हम लोगों ने डिसाइड करा यार, अभी मेरे पास इतने एम्बल्स नहीं है कि मैं उसको रिवाइव करके एरी डायनोस को टेम कर सकूं, तो अभी जो है ना हम लोग उस डायनो को टेम करेंगे। पर आज की वीडियो में यार, मैं आपको दो कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो कि किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताई होगी। तो सबसे पहले तो गाइस, मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग बियर किस तरीके से बना सकते हो, एंड बियर की हेल्प से हम एक डाइनो को टेम करेंगे जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है भाई। अगर वो अटैक करता है ना तो काफी गंदा डैमेज आता है। एंड उसके बाद यार, मैं आपको बताऊंगा जर्की किस तरीके से बनाने। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग तीन चीज करने वाले जो कि काफी ज्यादा गजब की है। तो यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो भी हमारे इस वीडियो में नया है एंड जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज गाइस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड आज की वीडियो में हम लाइक का एम रखते हैं 300। आई होप गाइस आप लोग 300 लाइक्स तो कंप्लीट करा ही दोगे। तो ओके गाइस, यहाँ पे मैंने बियर जार तो बना ही दिया है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं पानी की तरफ। तो ऐसे करता हूँ मैं, यहाँ पे प्लेस करता हूँ। ओके, कुछ इस तरीके से नहीं, ऐसे करते ना, कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्लेस करते। तो ओके गाइस, यहाँ पे हमारा बियर बैरल जो है वो यहाँ पे प्लेस कर दिया है। लगता है इसको पानी की काफी ज्यादा जरूरत है। तो हम लोग ऐसे करेंगे, यहाँ पे इसके लिए कुछ पाइप्स बनाएंगे जो कि नदी का पानी इंटेक करेगा, एंड इसमें जो है ना पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। तो सबसे पहले मेरे को उसके लिए स्टोन्स चाहिए होंगे, क्योंकि हमारे पास जो स्टोन्स की पाइप है उनका ही इनग्रिम्स अनलॉक है, तो हम लोग उन्हीं का यूज करने वाले। तो यार, अभी तो यहाँ पे मेरे को स्टोन्स वगैरह कहीं पे मिला नहीं है। लगता है मेरे को स्टोन्स वगैरह फार्म करना पड़ेगा। तो अभी जो है ना हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा स्टोन वगैरह फार्म करके आते हैं, फिर जो है ना हम लोग पाइप्स वगैरह आगे बनाने का ट्राई करेंगे। वैसे मैं यहाँ पे चेकआउट कर ले तो क्या पता हमारे ब्रोंडोसोरस के पास होगा, एंड मेरा डिडोरिकस पता नहीं गाइस कहाँ पे, एंड मेरा मन नहीं अभी मैं उसको रिक्वेस्ट करूँ। पहले देख लेता हूँ यहाँ पे, अगर स्टोन्स वगैरह नहीं मिलेगा तब हम लोग फार्म करने का ट्राई करेंगे। ओके यार, यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा स्टोन तो मिला, आई थिंक इतने से काम हो जाना चाहिए, पर नहीं होगा तो हम लोग ऐसे कर देना, थोड़ा सा स्टोन्स वगैरह फार्म और कर लेते। वैसे मैं यहाँ पे से हैचेट निकाल लेता हूँ जिससे हमें स्टोन मिलेगा। तो ठीक है, लेट्स गो गाइस। स्टोन आयरन का हैचेट जो है, जो मेरे रैप्टर में था, उसको मैंने निकाल दिया है। एंड फटाफट से चलते हैं हम लोग जो है ना स्टोन वगैरह फार्म करते हैं। लेट्स गो यार, देखते हैं कितना स्टोन चाहिए होगा हमें पाइप्स वगैरह बनाने के लिए। तो हम लोग फटाफट से स्टोन फार्म करते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे हमने काफी ज्यादा अमाउंट में स्टोन्स वगैरह फार्म कर दिया, तो फटाफट से हम इनग्रिम्स में चलेंगे एंड जो स्टोन्स के पाइप्स है उन्हें अनलॉक करना है। तो ये जो इंटेक पाइप है, वर्टिकल पाइप से इंटेक है, एंड जो हमें चार तरफ पाइप का मतलब जो भी होगा गाइस वो अनलॉक कर लेंगे एक एक करके सारे के सारे। तो ठीक है, तो भाई लगता है इतने से अपना काम बन जाएगा। फटाफट से हम लोग बियर बैरल के पास चलते और पाइप लगा के पानी इंटेक करने का ट्राई करेंगे। पहले पाइप बना लेता हूं, एक तो मेरे को इंटेक पाइप बनाना है। ओके, एक हम स्ट्रेट बनाएंगे और एक वर्टिकल। तो अभी जो है ना मैंने एक एक बनाया, लगता है इतने से काम बन जाएगा अपना। तो सबसे पहले तो गाइज यहां पे हम लोग पाइप लगाएंगे। ओके, तो सारे के सारे पाइप जो है ना मैं अपने हॉट बार में ले लेता हूं। भाई ये ऊपर लगाना है, ये ऊपर क्यों नहीं लग रहा है। ओके गाइज, यहां पे हम लोगों ने ऊपर लगा दिया है। अभी जो है ना एक पाइप मेरे को यहां पे लाना है, पर वो उधर के साइड लग रहा है, पीछे के साइड। तो ओके गाइज, यहां पे हम लोगों ने लगभग पाइप वगैरह सारे के सारा फिटिंग कर लिए। यहां पे मैंने चार मुंह वाला पाइप लगाया था, क्योंकि यार उधर के साइड से ना इधर के तरफ लग ही नहीं रहा था पाइप, तो मेरे को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने कैसे ना कैसे करके कुछ जुगाड़ पानी कर ही दिया है और हम लोगों ने जो है ना वो लगा दिया। एंड हमें बियर बनाने के लिए ना काफी ज्यादा बेरीज चाहिए और फाइबर चाहिए, फाइबर नहीं थैच चाहिए। तो उसी से जो है ना गाइस यहाँ पे बियर बनेगा। ठीक है, मैं थैच वगैरह ले लेता हूँ, जितना ज्यादा हम लोग ले लेंगे
एंड सारी की सारी बेरीज, ठीक है, तो मैं हर एक प्रकार की बेरीज लूंगा, आई मीन मिजो बेरीज हो गया, टिंटो बेरीज हो गया, और सारी बेरीज मैं नाम भी नहीं बोल पा रहा हूँ मतलब। तो चलो यार अभी हम लोग बेरीज वगैरह लेके चलते हैं, एंड सब चीज जो है ना हम लोग इस बैरल के अंदर डाल देंगे, ठीक है गाइज। हम लोगों ने जो बेरीज है सारा का सारा डाल दिया है, बस अभी जो है ना हमें वेट करना है बियर बनने का, भाई लगभग एक घंटा लगेगा, काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है भाई, एक घंटा कम नहीं है गाइज, बहुत ज्यादा टाइम है। तो चलो गाइज जब तक यहाँ पे हम लोग की बियर बन रही है, तो मैंने प्लान किया था यार चलो हम ऐसे करते ना यहाँ पे चलते डाइनो को टेम करने के लिए। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे रिसोर्सेज वगैरह कलेक्ट करना पड़ेगा, एंड मुझे चाहिए स्मूथिंग बैम, नारकोटिक्स और ट्रैंकुलाइजर एरोज। ओके गाइज मैं यहाँ पे एक स्मूथिंग बाम ले लेता हूँ, और हम लोग ऐसे करते ना फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। स्पाई ग्लासेस काफी ज्यादा जरूरत है, और फूड के नाम पे मेरे पास जर्की है, एक तो प्राइम जर्की है और एक तो जो नॉर्मल मीट होता है उसका जर्की है। तो चलो यार चलते हैं। सो गाइस यहाँ पे से मैं जैसी जा रहा था, एंड मैंने डिसाइड करा यार अभी अंधेरा काफी ज्यादा हो रहा है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइम चेकआउट करता हूँ, लगभग 17:25 हो रहे थे गेम पे, तो मैंने कहा यार अभी जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां जाते जाते तो डेफिनेटली रात हो जाएगा, एंड रात को सर्वाइव करना वहां पे काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, तो वहां से फिर मेरे को अपना बेस आना होगा। तो मैंने डिसाइड करा कि अभी जो है ना हम लोग उतर नहीं जाएंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, एंड जितने भी मेरे पास एक्स्ट्रा डाइनोज है जो कि मेरे यूजफुल के का नहीं है, तो मैं उनको जो है ना फटाफट से क्रायो कर दूंगा। तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले तो एरी एलिमेंट चाहिए, जो कि मैं डंजन करके लेके आया था। अगर आपको नहीं पता तो यार आपको एरी एलिमेंट चाहिए तो आप लोग डंजन करो, डंजन कंप्लीट करो, एंड वहां से आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये वुली राइनोस जो है ना अपने इतना यूजफुल है नहीं, तो मैं ऐसे करता हूँ दोनों के दोनों को हम लोग क्रायो कर देंगे, एंड हमारे पास दो एक्स्ट्रा स्लॉट हो जाएंगे किसी भी डाइनो को टेम करने के लिए। तो ठीक है गाइज फटाफट से हम लोग इसको क्रायो करते हैं। तो भाई यहाँ पे जो है ना अपने दोनों डायनो तो क्रायो हो चुके हैं, और मैंने डिसाइड करा चलो यार अभी रात तो होने वाला है, तो हम लोग ऐसे करते ना आप लोगों को मीट जर्की भी बनाने बताते, कि अभी तक मैंने जर्की वगैरह कभी ट्राई नहीं किया है, तो अभी जो है ना मेरे को जर्की की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मेरे को कुछ और सामान बनाना है। सो उसके लिए मेरे को फ्यूल चाहिए था, एंड मैं आ चुका हूँ डीप सी में फ्यूल वगैरह कलेक्ट करने के लिए। अगर किसी भाई को नहीं पता, क्योंकि आप लोग यार आइस से ही नहीं समुद्र से भी फ्यूल वगैरह इजीली कलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे मेगलोडॉन्स आर के, जो कि 20 लेवल का था, पर कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम लोगों ने उसको इजीली मार दिया है। तो फटाफट से यार मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्यूल वगैरह कलेक्ट करता हूँ फटाफट से। तो ठीक है यार हमारा फ्यूल वगैरह तो कलेक्ट हो चुका है, और अब ऐसे करते ना यहाँ पे हम लोग फटाफट से निकलते, एंड यहाँ पे एक काफी गजब का सीन हुआ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे से जा रहा था ना, तब तक मेरा डिवाइस जो है ना क्रैश हो गया, फिर यार ये प्रोसेस मेरे को दोबारा से करना पड़ा, लगभग 20-25 मिनट तो दोबारा मेरे को यहाँ पे से फ्यूल वगैरह कलेक्ट करने में लगा था। देखो तो ओके गाइज यहाँ पे हम लोग फ्यूल वगैरह लेके आ चुके हैं, अभी जो है ना मेरे को फटाफट से प्रिजर्वर बिन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो मीट जर्की है ना हम प्रिजर्वर बिन के अंदर बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा वुड चाहिए, एंड थैच चाहिए और फाइबर चाहिए, सो उसी से जो है ना हम लोग प्रिजर्वर बिन बनाएंगे। ऑलरेडी यार मेरे पुराने बेस में तो था, यहाँ पे मैंने बनाया नहीं क्योंकि मुझे इतना ज़रूरत नहीं लगा, एंड मेरे पास रेफ्रिजरेटर वगैरह काफ़ी ज़्यादा थे। तो अभी जो है ना प्राइम मीट के लिए मेरे को मीट जर्की के लिए मेरे को प्रिजर्वर बिन बनाना ही पड़ेगा, तो हम लोग फटाफट से बना लेते हैं। ओके यहाँ पे मैंने एक अनलॉक करा, फाइबर चाहिए, फाइबर मेरे पास है नहीं, तो मेरा जो फैब्रिकेटर है उसके अंदर फाइबर है पड़ा हुआ, तो एक ही बनाएंगे, ज़्यादा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फटाफट से यार एक बनाते हैं। तो भाई हमारा प्रिजर्वर बिन बन के रेडी हो चुका है, और फटाफट से मैं इसको प्लेस करता हूँ, और अभी जो है ना एंड मीट जर्की किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो गाइस मीट जर्की बनाने के लिए हमें चाहिए कुक्ड मीट, अगर आप लोग प्राइम मीट जर्की बना रहे हो तो उसके लिए आपको कुक्ड प्राइम मीट चाहिए होगा, एंड मेरे पास कुक्ड प्राइम मीट अभी है नहीं, तो हम लोग जो नॉर्मल मीट है ना उसी को यूज करने वाले हैं।
तो ठीक है गाइस, हम लोग ऐसे करते हैं ये यहाँ पे डालते हैं, एंड जितना भी मेरे पास फ्यूल है उसको आधा करके हम लोग प्रिजर्वर बिन में डाल देंगे। एंड अभी चाहिए मेरे को स्पार्क पाउडर, तो देखते हो यहाँ पे स्पार्क पाउडर तो है नहीं, तो लगता है मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा स्पार्क पाउडर क्राफ्ट करना पड़ेगा। ऑलरेडी मेरे पास थोड़ा सा फ्लिंट वगैरह था, तो मैंने फटाफट से यार 10 स्पार्क पाउडर यहाँ पे इजिली क्राफ्ट कर दिया है। एंड ये स्पार्क पाउडर जो है हम लोग डालेंगे प्रिजर्वर बिन के अंदर। तो ठीक है, इतना ही बना यार, ज्यादा नहीं बना। तो ठीक है, हम लोग इसमें डालते। तो देखो गाइज यहाँ पे टाइमिंग आने लगा है, तो ये बनने में गाइज कम से कम 35 मिनट लगेगा, तो भाई अभी तो हमें वेट करना पड़ेगा। एंड फाइनली गाइज यहाँ पे रात को मैं सोया आराम से, एंड मॉर्निंग हो चुका है, अब फाइनली टाइम आ चुका है यहाँ पर से निकलने का। पर बियर का टाइम देख लूँ, लगभग अभी भी 40 मिनट लगेगा। तो चलो यार, जब तक बियर बनता है सो हम लोग उस डाइनो को लेके आते हैं। सो फाइनली यार यहाँ पे से हम लोग निकल चुके हैं दोबारे से स्वयं की रिवर में, एंड वहाँ पे जो है ना उस डाइनो को ढूंढने का ट्राई करेंगे। यार मुझे नाम थोड़ा सा कंफ्यूजन सा लगता है। तो अभी जो है ना गाइस हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, एंड वो हमें यहीं पे मिलेगा। और मैंने काफी ज्यादा ढूंढने का ट्राई किया, एंड वो तो गाइस यहाँ पे मेरे को मिला नहीं। तो मैं जैसे यहाँ पे से आगे गया, आगे हम लोगों ने स्वयं को काफी ज्यादा एक्सप्लोर करा, मेरे को वो कहीं पे नहीं मिला। एंड दोबारा से गाइस जैसे मैं यहाँ पे आया, फाइनली यार जो चीज हमें चाहिए थी वो हमें यहाँ पे मिल चुकी थी। तो हम लोगों ने डिसाइड करा फटाफट से जो है ना उसको हम अपने आरजे से उठा के लेके चलते हैं। तो अभी यार मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसे करते ना आगे चलते भाई, सार्को है यहाँ पे, एंड सार्को देखो ये पैरासिरथीरियम से पंगे ले रहा है भाई, मरेगा ये तो डेफिनेटली। इससे तो फाइट मैं भी नहीं लेता यार, बहुत गंदा डैमेज देता है। तो ठीक है, सो फाइनली यार यहाँ पे सब घूम घूम के मैं दोबारा से आया, एंड लकीली यार जो मेरे को चाहिए था वो मेरे को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसका यार मेरे को यूज भी नहीं पता, डिप्लोकस जो भी होगा। एंड तो मैंने डिसाइड करा चलो यार इसको टेम करके आते हैं। तो फाइनली यार मैंने डिसाइड करा इसको यहाँ पे टेम करने के बजाय हम लोग ऐसे कह देना अपने बेस पे लेके चलते हैं, एंड वहीं इसको हम लोग टेम करने का ट्राई करेंगे। सो फाइनली गाइस यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं अपने बेस में। सबसे पहले तो इसको यहाँ पे फेंकूंगा, एंड ज्यादा एरोज की जरूरत नहीं है, जो हमारे पास लॉन्ग नेक राइफल है उसका एक ही एरोज मारेंगे, उसी में अनकॉन्शियस हो जाएगा। तो ठीक है, मारे एक फटका, लो गया। सो फाइनली गाइज यहाँ पे अनकॉन्शियस, एंड सबसे पहले जो है ना हम लोग इसको देते क्या स्मूथिंग बैन, ठीक है तो स्मूथिंग बैन देते, और उसके बाद थोड़ा सा हम इसको फिश मीट दे देंगे क्योंकि ये रिवर में रहता है, तो डेफिनेटली यार ये फिश मीट ही खाता होगा। तो अभी जो है ना हम लोग कुछ देर वेट करेंगे, एंड कुछ ही देर बाद ये फाइनली टेम हो जाएगा। ओके गाइज फाइनली ये जो हमारा डिप्लोकस है वो यहां पे टेम हो चुका है, हुआ नहीं है, होने वाला है, हो गया। सो फाइनली गाइज यहां पे हो गया। सो अभी जो है ना मैंने डिसाइड करा फटाफट से यार हम लोग इसका सैडल देखते हैं। तो मैंने इनगेम्स को ओपन करा, यार इसका सैडल सर्च कर रहा था, एंड एक सैडल दिखा मेरे को, तो मैंने वो अनलॉक किया, क्राफ्ट किया, एंड बाद में पता चला यार ये तो ब्रोंडोसोरस के जो तरह जो दिखता है ना उसका सैडल है भाई, स्कैम हो गया। एंड इसका कोई भी सैडल नहीं है और लगता नहीं है कुछ काम आएगा। देखो ये सैडल मिला क्योंकि उसके नाम से यही आ रहा था, तो फिर क्या था गाइस हम लोगों ने सैडल वगैरह तो बनाया नहीं, देखते हैं अगर बाद में हमें पता चलेगा इसका सैडल वगैरह का तरीका। एंड अभी देखो बियर कितना टाइम लगेगा बियर बनने में, भाई लगभग 3 मिनट। तो हम लोग ऐसे करते ना थोड़ा सा वेट वगैरह कर ही लेते हैं। अभी जो है ना गाइस सबसे पहले तो मैं, और भी यहाँ पे हमारा प्राइम मीट जर्की भी बन गया, मीट जर्की, तो देख लिया गाइस आप लोगों ने हमारा मीट जर्की जो है वो भी बन के रेडी हो चुका है भाई, थोड़ा सा जर्की खाते हैं मजा आ रहा है मतलब। तो चलो गाइस अभी हम लोग देखते हैं अपना बियर बन के रेडी है या नहीं है। तो लगता है गाइस एक बियर बन के तो यहाँ पे रेडी हो चुका है, और मुझे इसको पैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग ऐसे करते ना फटाफट से वाटर जार बनाते हैं, एंड वाटर जार के अंदर इसको डालने का ट्राई करेंगे, देखते हैं गाइस वाटर जार के अंदर आता है या नहीं आता है। मैं सोच रहा यार इसको अंदर कैसे डालेंगे, फिर मेरे दिमाग में आया चलो ऐसे करते ना वाटर जार बनाते हैं।
तो फाइनली गाइज मैं फटाफट से गए अपने बेस में, रिसोर्सेज वगैरह कलेक्ट करे एंड मैं जो है ना वाटर जार यहाँ पे मैंने बना लिया, तो फटाफट से इसको जो है ना वाटर जार के अंदर डालते हैं। भाई ही फंस गया यहाँ पे। ओके यहाँ पे से आ गया मैं ऊपर भाई, तो ठीक है। ओके गाइज फाइनली अपना बियर बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है, फटाफट से यार आज जरा थोड़ा सा टल्ली हो जाते हैं, पिए ठीक है, लेट्स गो पीते हैं। आज मैं टल्ली हो गया। तो फाइनली गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड मन करे तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फाइनली गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही एंड मिलते गाइज हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर योर लवली सपोर्ट। यार आप लोगों का सपोर्ट काफी ज्यादा गजब का है, दो दिन वीडियोज नहीं आई, कुछ प्रॉब्लम था, आई मीन प्रॉब्लम नहीं था या कुछ होते हैं शख्स उनके कारण से मेरा दिमाग खराब था, तो मैं वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं कर रहा था। सो बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।